कोरोना पेंडेमिक का प्रेडिक्शन 1993 में, 9/11 की चेतावनी 1997 में, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रेडिक्शन 2015 में और लेडी गागा की वियर्ड ड्रेस का प्रेडिक्शन 2012 में। ये तो केवल चार घटनाएं थी, ऐसे टोटल 43 इंसिडेंट्स हैं जिनके प्रेडिक्शन 5 से 10 साल पहले ही किए जा चुके हैं, वो भी एक कार्टून शो में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिम्पसन्स के बारे में। हो सकता है आपने ये शो ना देखा हो, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर होगा। इस शो में जो प्रेडिक्शन होते हैं ना, वो आम प्रेडिक्शन नहीं होते, वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखो, आप खुद समझ जाओगे कि ये शो इतना ज्यादा स्पेशल और मिस्टीरियस क्यों है। मतलब लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है इस शो के जो राइटर्स हैं या जो मेकर्स हैं ना, वो या तो अंतर्यामी हैं या फिर टाइम ट्रेवलर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो बातें अपने शो में प्रेडिक्ट की है ना, वो हर किसी के बस की बात है ही नहीं। अब आप सोच रहे होगे, गौरव भाई हमने बहुत वीडियो देखे हैं सिम्पसन्स पे, सभी में यही बताया जाता है कि कौन सी घटना कौन से ईयर में घटी थी और सिम्पसन्स ने उसका प्रेडिक्शन कितने साल पहले कर दिया था। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वैसा कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं वो सब बकवास नहीं करने वाला जो आप पहले देख चुके हो, बल्कि आज के इस वीडियो में तो हम डिकोड करेंगे उस रहस्य को कि आखिर कैसे द सिम्पसन्स ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेडिक्शंस कर पाता है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो यार देखिए, इतना इंट्रो काफी है आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, देखने में बड़ा मजा आएगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सिम्पसन्स का एक एपिसोड है जहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी को अपनी फायर ब्रीथ से, मतलब मुंह से निकलने वाली आग से तबाह कर रहा है। उस समय जिन लोगों ने सिम्पसन्स का एपिसोड देखा था, उनको नहीं मालूम था कि वो जो देख रहे हैं ना, वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है और करीब 3 साल बाद सेम सीन रिक्रिएट होता है गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी इपिक सीरीज के क्लाइमैक्स के रूप में। और उस क्लाइमैक्स को देखने के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि भाई ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं, और ऐसा डेजावू की वजह से नहीं बल्कि द सिम्पसन्स की वजह से हुआ था। लेकिन इसी इंसिडेंट को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ये भी पॉसिबल है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने द सिम्पसन्स के द्वारा बनाए गए 3 साल पुराने एपिसोड के सीन को रिक्रिएट किया हो जानबूझकर। ये कोई प्रेडिक्शन या कोई कोइंसिडेंस ना हो, बल्कि ऐसा सब कुछ सोच समझ कर किया गया हो, क्योंकि जिस समय गेम ऑफ थ्रोन्स का क्लाइमैक्स शूट होना था, उस समय भी द सिम्पसन्स काफी ज्यादा सुर्खियों में था। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बातें कर रहा था कि सिम्पसन्स कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देता है। तो हो सकता है GOT वालों ने सोचा हो कि क्यों ना हम सिम्पसन्स में दिखाए गए किसी एपिसोड जैसा ही क्लाइमैक्स बना दें, ताकि फ्यूचर में जब भी सिम्पसन्स की बात हो तब हमारा शो भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। देखो ये वैसे तो काफी छोटी चीज है, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजें शो के मेकर्स अपने शो को प्रमोट करने के लिए जानबूझकर करते हैं। लेकिन चलो मान लिया गेम ऑफ थ्रोन्स वालों ने क्लाइमैक्स का सीन द सिम्पसन्स से कॉपी किया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान अपनी मौत को द सिम्पसन्स से कॉपी कर ले। और ऐसा ही कुछ हुआ था सन 2003 में, जब दो काफी ज्यादा फेमस एंटरटेनर सेज फ्रीड और रॉय उनके ही द्वारा ट्रेन किए गए व्हाइट टाइगर्स के हमले के शिकार हो गए। एक शो के दौरान उनका टाइगर बेकाबू हो गया और उस टाइगर ने उन्हीं के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। अब ये जो घटना थी ना, ये प्री प्लान्ड तो नहीं थी, ये एक्चुअल एक्सीडेंट था। और ये घटना हुई 2003 में, लेकिन इससे ठीक 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन्स के सीजन 5 के एपिसोड 10 में यही घटना हूबहू दिखाई गई थी। तो सिम्पसन्स वालों को कैसे पता चला कि 10 साल बाद ऐसा कुछ होने वाला है। इस एपिसोड में भी यही दिखाया गया कि कैसे दो फेमस एंटरटेनर अपने शो के दौरान व्हाइट टाइगर के हमले के शिकार होते हैं। और इस एपिसोड में ये जो विजुलाइजेशन दिखाया गया, जो सीन दिखाए गए ना, वो एक्चुअल घटना से हूबहू मेल खाते हैं। मतलब लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है, इन लोगों को 10-10 साल पहले कैसे पता चल जाता है कि होने क्या वाला है। लेकिन इस चीज को भी अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो सिम्पसन्स का ये जो एपिसोड था ना, इसमें जो दो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, ये एक्चुअली में वही कैरेक्टर्स थे जिनके साथ घटना हुई थी। मतलब कार्टून में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो रियल लाइफ में सेज फील्ड और रॉय के ऊपर ही बेस्ड थे। तो हो सकता है शो बनाने वालों ने सोचा हो, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की हो कि शो के दौरान इनका टाइगर इन पर ही हमला कर दे और 10 साल बाद उनका तुक्का एकदम सही बैठ गया। देखो ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो आज मैं 100 बातें बोल दूं कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसके साथ वैसा हो जाएगा, और 10 या 15 साल बाद उन 100 बातों में से
5 तुक्के मेरे सही भी लग जाते हैं, मतलब वो घटनाएं एक्चुअली में घट जाती हैं। तो क्या आप ये कहोगे कि गौरव भाई को भविष्य मालूम है? गौरव भाई ने तो बाबा बैंगा को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ये तो तुक्के थे जो सही बैठ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि सिम्पसन्स में भी यही होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिम्पसन्स के जो क्रिएटर है वो डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठकर जाते हों और फ्यूचर में जाकर वहां हुई घटनाओं पर आधारित अपनी स्क्रिप्ट लिख देते हों। एनीवे ये तो खैर मजाक की बात थी एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डोरेमोन। देखो कोई भी शो रिक्रिएट हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, तुक्के लग सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी बिजनेस डील जब होने वाली होती है ना तो वो काफी ज्यादा सीक्रेट रखी जाती है ताकि मार्केट में किसी को हवा तक ना लगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि सिम्पसन्स ने एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की बिजनेस डील को भी 19 साल पहले ही लोगों के सामने लाकर रख दिया था और किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि 20th सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया है, और उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं बताया, उन्होंने ये एक होल्डिंग में बने एनिमेशन के थ्रू बताया। ऊपर लिखा 20th फॉक्स सेंचुरी और नीचे लिखा अ डिविजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। और उस टाइम पर ना डिज्नी वालों को पता था ना ही 20th सेंचुरी वालों को पता था कि भैया हम आपस में मर्ज हो जाएंगे, वो भी 19 साल बाद 2017 में। और जब एक्चुअली में ऐसा हुआ, डिज्नी और 20th फॉक्स सेंचुरी का मर्जर हुआ, तब लोगों ने ध्यान दिया कि भैया ये सब तो सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और ये जो चीज है ना ये एक्चुअली में काफी ज्यादा वियर्ड है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सिम्पसन्स के जो मेकर्स हैं उनकी पहचान काफी ऊपर तक हो, उनको पता हो कि भविष्य में कौन सी डील हो सकती है और उन्होंने इसे कार्टून में दिखा दिया हो। लेकिन अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि एक कार्टून में इस बात को दिखाने का क्या फर्क पड़ेगा। मतलब अगर ये वो बात नहीं दिखाते तो भी सिम्पसन्स में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि लोग यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेने या भविष्य की फ्यूचर डील्स के बारे में जानने के लिए तो नहीं आए थे, वो एक नॉर्मल सा कॉमेडी शो एक कार्टून देख रहे थे। तो उस शो में अगर ये सारी डिटेल्स ना भी डाली जाती तो भी शो में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर क्यों इतनी बारीक बारीक चीजें, इतने छोटे छोटे क्लू फ्यूचर के बारे में सिम्पसन्स ने दिए? अब देखो सिम्पसन्स जो है ना वो 750 एपिसोड की एक काफी लंबी सीरीज है, तो मतलब आप समझ लो कि उन्होंने 750 एपिसोड में अगर 50,000 जोक्स भी मारे और उसमें से 30-40 तुक्के सही भी बैठ गए, तब भी लोगों ने सिम्पसन्स के नाम का बहुत ज्यादा हल्ला मचाया। जबकि सिम्पसन्स से ज्यादा लंबी सीरीज है स्टार ट्रेक की, उन्होंने भी बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन किए। उन्होंने भी बताया कि भविष्य में पतले पतले टीवी आएंगे, फ्लिप फोन्स होंगे, स्मार्ट वॉचेस होंगे, लेकिन स्टार ट्रेक की बात कोई नहीं करता। जब बात प्रेडिक्शन की होती है तो सबको सिम्पसन्स ही याद आता है, क्योंकि भैया इस तरीके की चीजें प्रेडिक्ट करना कि भविष्य में उड़ने वाली कारें होंगी या पतले पतले फोन्स होंगे, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन डिज्नी 20th फॉक्स सेंचुरी को खरीद लेगा? लेडी गागा किस शो में कौन सा ड्रेस पहनेगी? किस एंटरटेनर पर उसी का टाइगर अटैक कर देगा? या फिर कौन सा इंसान भविष्य में जाकर US का प्रेसिडेंट बनेगा? ये सारे प्रेडिक्शन करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि सिम्पसन से ज्यादा एपिसोड्स तो तारक मेहता के होंगे, लेकिन अगर तारक मेहता के सारे एपिसोड के प्रेडिक्शंस भी देखें ना, वैसे तो उसमें एक भी प्रेडिक्शन नहीं है, तो भी उस पूरी सीरियल में से आपको एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो भविष्य में सही होने वाली है। खैर कहां मैं सिम्पसन और तारक मेहता को कंपेयर कर रहा हूं, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। मैं तो बस ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि कोई सीरियल अगर बहुत लंबी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बताई गई चीजें भविष्य में सही हो जाएंगी। सिम्पसन में ये जो प्रेडिक्शन हो रही है ना उसके पीछे वाकई में कुछ वियर्ड तो जरूर है। सिम्पसन ने NSA स्पाई स्कैंडल को एक्सपोज किया था 5 साल पहले, ट्रंप प्रेसिडेंसी को गैस किया था 17 साल पहले, डिज्नी की बिजनेस डील को एक्सपोज किया था 19 साल पहले और स्टैच्यू ऑफ डेविड की सेंसरशिप को भी शो किया था 26 साल पहले। ये सब प्रेडिक्शन क्या थे आप चाहो तो नेट पर डिटेल में सर्च कर सकते हो, लेकिन कोई आम इंसान इस तरीके की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो तो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। आपने गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा। 2012 में एक बहुत बड़ी खोज हुई थी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, CERN के साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल को खोजा था। और ये जो गॉड पार्टिकल है ना ये हमारे लिए यूनिवर्स के निर्माण को समझने की सबसे अहम चीज थी। ये जो गॉड पार्टिकल है इसको हिग्स बोसोन भी कहा जाता है और ये यूनिवर्स के निर्माण से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट खोज थी। लेकिन 1998 में 14 साल पहले सिम्पसन्स के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन के मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया गया था एक ब्लैक बोर्ड पर। जब ये एपिसोड एयर हुआ होगा ना सिम्पसन्स का, तब साइंटिस्ट जिन्होंने भविष्य में खोज की थी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में हम यही खोज करने वाले हैं। मतलब ये तो अब लिमिट ही क्रॉस हो गई। बिजनेस डील तक तो फिर भी ठीक था,
लेकिन साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट, इतनी बड़ी खोज के बारे में 14 साल पहले एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देना, उसका पूरा फॉर्मूला ही दिखा देना, ये काम कोई ऑर्डिनरी शो नहीं कर सकता है। और लिटरली ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे खुद लगने लगा है कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम काफी सिंपल समझते हैं लेकिन वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। आप खुद सोचिए ना, एक नॉर्मल से कार्टून शो में भी कितने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। लेकिन तुम बोलोगे गौरव भाई क्या यार, तुमने भी वही सारी बातें कर दी, सिम्पसन्स के बारे में सस्पेंस तो क्रिएट कर दिया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि आखिर सिम्पसन्स ये सारी प्रेडिक्शन करता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलो जानते हैं सिम्पसन्स के इन सारे प्रेडिक्शंस के पीछे का असली रहस्य। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रेडिक्शन क्या होता है। किसी घटना को एग्जैक्ट डेट, टाइम या प्लेस के साथ बताना कि इस जगह पर इस समय ये घटना होने वाली है, इसे कहा जाता है प्रेडिक्शन। लेकिन सिम्पसन्स ने कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं किया, उन्होंने कभी भी बताया नहीं कि हम जो घटना दिखाने वाले हैं वो कब, कहां और कैसे होने वाली है। उन्होंने बस लगाए तुक्के कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और तुक्के एक दो नहीं बल्कि उन्होंने 1.5 लाख तुक्के लगाए। सिम्पसन्स के सारे एपिसोड्स में जितने भी जोक हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, उनके टोटल नंबर 1.5 लाख से ज्यादा हैं। और इन सब में से जो घटनाएं एक्चुअली में घटी उनके नंबर्स हैं ओनली 43। इस 43 में से भी 13 घटनाएं ऐसी हैं जिनको हो सकता है जानबूझकर रिक्रिएट किया गया हो, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का क्लाइमैक्स वाला सीन। तो बच गए 30 ऐसे तुक्के जो 1.5 लाख में से सही बैठे हैं। तो अब आप क्या कहोगे, एक्चुअली में सिम्पसन्स प्रेडिक्शन करता है? नहीं, सिम्पसन्स केवल ये गैस करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उनमें से कुछ चीजें सही हो जाती हैं। देखो YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मिलेंगे जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। बहुत से लोग तो सिम्पसन्स को भगवान ही मानने लग गए हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि 2023 में 2024 में क्या होने वाला है वो भी सिम्पसन्स ही बताएगा। मतलब सीरियसली लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि सिम्पसन्स ने ऐसा बताया था तो फ्यूचर में ये हो सकता है। मतलब आपका फ्यूचर, इस दुनिया का फ्यूचर एक कार्टून डिसाइड करेगा। बहुत से लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जहां सिम्पसन्स को एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ा जा रहा है, टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ा जा रहा है, और भी पता नहीं लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं सिम्पसन्स को लेकर। लेकिन एक्चुअली में जो लॉजिक था वो हमने आज के वीडियो में आपके सामने रखा। और सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन का पूरा लॉजिक है ना, उसको एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो वर्ड है नंबर्स गेम। हो सकता है बहुत से लोगों का ये वीडियो देखने के बाद दिल टूट गया हो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गौरव भाई शायद ये बताने वाले हैं कि सिम्पसन्स ने टाइम ट्रैवल किया, या सिम्पसन्स के क्रिएटर्स के पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे वो फ्यूचर जान सकते हैं। लेकिन भैया एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, सब नंबर्स का गेम है। और आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक एपिसोड बनाने में, एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक कर देना, नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।